अलग कहाँ लिखा था, सेम ही तो लिखा था, यही तो था सी डबल बॉन्ड एंड एनएचपीएच, सी डबल बॉन्ड एंड एनएचपीएच। इसको नोट कर लो पूरा। समझ रहे हो ना, ये हाइड्रोजोन बना, ये टॉटोमेरिज्म हुआ, फिर बेस ने एच सब्सट्रेट किया, सीओ बॉन्ड बना, सी डबल बॉन्ड एन बन के निकल गया, और फिर जैसे कीटोन पे अटैक किया वाटर निकल गया, सी डबल बॉन्ड एन पे अटैक किया एमोनिया निकल गया, और ये जो प्रोडक्ट बन गया इसको बोलेंगे इट इज द ओसाजोन ऑफ डी ग्लूकोज। अब नीचे कैरेक्टरिस्टिक लिखो इसकी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट लिखो कि 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन कंज्यूम इन दिस रिएक्शन, यानी इस फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, नोट कर लिया ये। अभी बताओ कि ओसाजोन फॉर्मेशन में किस कार्बन की कायरलिटी लॉस हो जाती है, किस कार्बन की कायरलिटी खत्म हो गई है, C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, C2 कार्बन, परफेक्ट। सेकंड पॉइंट लिखो, इन ओसाजोन फॉर्मेशन सेकंड कार्बन विल लॉस्ट इट्स कायरलिटी। ओसाजोन फॉर्मेशन में सेकंड कार्बन की कायरलिटी जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज का ओसाजोन सेम आएगा या बताओ ओसाजोन डिफरेंट आएगा, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज सेम आएगा ओसाजोन या डिफरेंट आएगा, सेम 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 सेम, बहुत सारे सेम ही सेम आ रहे हैं, डिफरेंट एक दो के डिफरेंट आए हैं। ओसाजोन में दोनों ओसाजोन सेम आएगा ना, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज विल गिव सेम ओसाजोन बिकॉज दे आर C2 एपिमर। हम ओसाजोन में क्या करते हैं, हम ओसाजोन में क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा डी ग्लूकोज है, ये हमारा डी ग्लूकोज है, तो ओसाजोन में ये वाला पार्ट ओसाजोन में पार्टिसिपेट करता है ना, यहां बनता है C डबल बॉन्ड एन, तो ये नीचे वाले कार्बन तो सेम रहते हैं, यानी अगर मैं इस OH को यहां से यहां इंटरचेंज कर दूं तो भी तो ओसाजोन सेम ही बनेगा, समझ रहे हो। ये वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है ओसाजोन में, तो C2 एपिमर विल गिव सेम ओसाजोन, समझा। लिखो डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज विल गिव सेम ओसाजोन। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है अपनी सोलोमन्स वाली बुक में कि डी ग्लूकोज, डी मैनोज एंड डी फ्रुक्टोज, इन तीनों के ओसाजोन सेम आते हैं, बताओ ये कैसे, डी ग्लूकोज, डी मैनोज एंड डी फ्रुक्टोज गिव सेम ओसाजोन, फ्रुक्टोज कैसे ओसाजोन इनका सेम आ रहा है, बताओ, बोलो, बिकॉज दे आर इन इक्विलिब्रियम इन माइल्ड बेसिक मीडियम। भाई हमने ग्लूकोज का ओसाजोन बनाया या मैनोज का ओसाजोन बनाया, सेम बना, तो फ्रुक्टोज माइल्ड बेसिक मीडियम में मैनोज में कन्वर्ट हो जाएगा और मैनोज में कन्वर्ट हो गया उसका ओसाजोन बना लेगा। लेकिन अगर फ्रुक्टोज माइल्ड बेसिक में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तब कैसे होगा, तब भी तो सेम ही ओसाजोन आएगा, तो फ्रुक्टोज चाहे ग्लूकोज में जाए चाहे मैनोज में जाए, इन दोनों के ओसाजोन क्या है, सेम है,
तुम्हारे लिख लो आप, बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट. डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी फ्रुक्टोज गिव सेम ओसाजोन बिकॉज ऑफ इंटेस्टिन रीअरेंजमेंट. डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज एंड डी मैनोज गिव सेम ओसाजोन बिकॉज ऑफ इंटेस्टिन रीअरेंजमेंट इन माइल्ड बेसिक मीडियम. अच्छा, और कोई बता सकते हो, और कोई सी टू ईपीमर जो कि ओसाजोन सेम देंगे अदर देन दिस? इसके अलावा और कोई है जिसका ओसाजोन सेम आएगा? बोलो. डी एलोस, डी एल्ट्रोस, डी एलोस, डी एल्ट्रोस. और बताओ, गुल्लोज, आयडोस, परफेक्ट. गैलेक्टो टेलोस, बिल्कुल परफेक्ट. राइबोस, आर्बिनोस, दीपांश भारद्वाज, असिता दत्त, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो. तो नीचे लिखो, डी एलोस एंड डी एल्ट्रोस गिव सेम ओसाजोन. Why they will give same ओसाजोन? Because they are C2 epimers. D allos and D altros give same ओसाजोन because they are C2 epimers. ओसाजोन, अब ग्लिसरेल्डिहाइड के ओसाजोन नहीं बनेंगे, ओसाजोन नीचे एक पैटर्न होने चाहिए ऐसे. ओसाजोन बेसिकली होता क्या है, ये सी टू ईपीमर डिटरमाइन करने के काम आता है. एक मान लो किसी सॉल्यूशन में सी टू ईपीमर्स हैं, उनको डिटरमाइन करना है, तो जो जो सेम ओसाजोन दे देंगे वो सी टू ईपीमर होंगे. मगर उसमें कंडीशन ये कि वो सारे वहाँ पे एल्डो हेक्सोज होने चाहिए. आउट ऑफ एल्डो हेक्सोज सी टू ईपीमर निकालना है तो हम ओसाजोन से बता सकते हैं. ओके भाई, आगे बढ़े. ये बताओ, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद अल्कोहल एसिड कैटलाइज? एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल की क्या रिएक्शन होती है? बोलो. एल्डिहाइड, कीटोन और ओसाजोन, सॉरी, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल की क्या रिएक्शन होगी? पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन, फिर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हमने प्रोटोनेट किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, एच रीजनरेट हो गया. यानी ये क्या बन गया हमारा? हेमी एसिटल. यहां तक ठीक है? अब ये बताओ कि हेमी एसिटल के अंदर अगर मैं आपको फिर से H प्लस दे दूं और अल्कोहल दे दूं, तो बताओ व्हाट इज द रिएक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन हेमी एसिटल रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एज ए कैटलिस्ट? क्या होगा बताओ? क्या बनेगा? एसिटल. यानी यहां से निकलेगा वाटर, बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन, फिर अल्कोहल का अटैक. हेमी एसिटल विल कन्वर्ट इनटू एसिटल. मतलब बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से करते हो तो एक मोल में हेमी एसिटल बनता है, फिर एक और मोल अल्कोहल ऐड करोगे तो वो क्या बना लेगा? हमारा एसिटल. तो पहले इसको नोट करो, एक बार मैकेनिज्म नोट कर लो. मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जैसे लिग्नार्ड का अटैक करते थे ना हम लोग, वैसे प्रोटोनेट किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अल्कोहल. हम ये मैकेनिज्म इस टाइप का पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. हमने डिस्कस किया था प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन बाय ग्लाइकोल,
ग्लाइकोल डाला था तो क्या होता था, एल्डिहाइड कीटोन का हम एसिड तल और वो बनाते थे कीटल। तो मैंने ये समझाया तुम्हें कि अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से हेमी एसिटल बनता है, फिर वो एसिटल बनता है। नोट कर लिया सबने, वॉरेन से भी किया था। ओके गुड, बनाया आप लोगों ने। दूसरा मुझे ये बताओ, मोर रिएक्टिव टूवर्ड एसिड, क्योंकि आगे हम जो रिएक्शन करेंगे सब यूज होगा, मोर रिएक्टिव टूवर्ड एसिड। एक तो हमारे पास अल्कोहल है और एक हमारे पास ये हेमी एसिटल है, तो बताओ इन दोनों में से मोर रिएक्टिव टूवर्ड एसिड कौन है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? मोर रिएक्टिव टुवर्ड एसिड कौन है? हेमी एसिटल इज मोर रिएक्टिव देन अल्कोहल। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें एसिड यूज करेंगे तो यहां से निकलेगा वाटर, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, आईआईटी कार्बोकैटायन, इसको हम आईआईटी कैटायन भी बोलते थे। तो वहां लिखो हेमी एसिटल इज मोर रिएक्टिव देन अल्कोहल टूवर्ड एसिड। हाँ, रेजोनेंस स्टेबलाइज बोलते हैं, आईआईटी कैटायन बोले, प्लस एम बोले। आपने नोट कर लिया सबने? ये लिख लो आप, मैंने ये बोला कि हेमी एसिटल इज मोर रिएक्टिव देन अल्कोहल टूवर्ड एसिड, यानी इसका ये ऊपर जो लिखा था ना ये बोला था, हेमी एसिटल इज मोर रिएक्टिव देन अल्कोहल टूवर्ड एसिड। ओके भाई, अब ये सब है ना अभी ग्लूकोज में यूज होने वाली है, इसलिए मैंने आपको बीच में वापस रिवाइज कराया एक बार। अब देखो क्या है कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना ग्लूकोज की, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, The following chemical property cannot explain by open chain structure of D-glucose. जैसे ये 2,4 DNP test negative आता है, ठीक है, और ये सिर्फ test से react नहीं करता है glucose, हम सारी बात glucose की कर रहे हैं, और ये क्या नहीं करता, ये sodium bisulfite से react नहीं करता है। तो ये जो chemical properties हैं, ये जो हम explain नहीं कर पा रहे हैं glucose के open chain structure से, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज के और भी स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो हमको डिस्कस करना है। तो पहले आप नीचे लिखो कि फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज, लिखो आप फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज कैन नॉट एक्सप्लेन बाय, फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। Following chemical property cannot explain by open chain structure of D-glucose. देखा आपने? नीचे ये तीन प्रॉपर्टी लिखो, नेगेटिव 2,4 DNP टेस्ट, ये याद रखना है आपको, ये NCERT में भी बहुत अच्छे से दे रखा है, नेगेटिव 2,4 DNP टेस्ट, सेकंड लिखो नेगेटिव SIF टेस्ट, थर्ड क्या लिखोगे, डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइट, सोडियम बाइसल्फाइट से रिएक्ट
नहीं करते हैं। ओके भाई, अच्छा एक चीज और लिख लो कि अगर कहीं पे भी ये सिक्स मेंबर रिंग बनेगा ना, ऐसे ऑक्सीजन और सिक्स मेंबर रिंग, इसको बोलते हैं पाइरेन, और फाइव मेंबर रिंग हैविंग ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, फ्यूरेन। ये भी नोट कर लो, सिक्स मेंबर रिंग ऑक्सीजन, ये हो गया पाइरेन और ये हो गया फ्यूरेन। ओके भाई, नोट कर लिया। बोलो, लिख लिया तो बोलो। पायरेन फ्यूरेन, नोट कर लो पायरेन फ्यूरेन। हमारे को आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज तीन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम में तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये है हमारा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। अब हमने क्या किया इसमें, ये इक्विलिब्रियम में तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैं नंबर कर लेता हूं बस। ये कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट और लास्ट पोर्शन है, सिक्स कार्बन। इस ओ का अटैक करेंगे यहां पे फर्स्ट पे, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक, यानी इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अल्कोहल ने अटैक किया एल्डिहाइड पे, तो अल्कोहल जब एल्डिहाइड पे अटैक करता है तो क्या बनता है, हेमी एसिटर, ठीक है ना। और ये फर्स्ट वाला कार्बन कार्य सेंटर बन रहा है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें ये OH मैंने राइट में बना लिया, और इसको नंबर कर लेते हैं हम कार्बन को, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एंड 6। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर बनेगा, एक और क्या बनेगा, ये कार्बन कार्य सेंटर बन रहा है ना, ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है ये कार्य सेंटर बन रहा है। तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ इस कार्बन पे, तो एक बार OH राइट में ये बन गया, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दूसरे स्ट्रक्चर में OH कहाँ आएगा, हमारे लेफ्ट में आएगा, समझो। इसको ड्रॉ करो एक बार, मैं इस तरह बनाता हूँ, एक बार OH राइट में बनाएंगे, वो एक बार OH लेफ्ट में बनाएंगे, सभी लोगों को ड्रॉ करना है।
बनाओ उसको। ये ग्लूकोज इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक बार OH राइट में और एक बार OH लेफ्ट में। नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, नहीं इक्वल है, ये कार्बन नहीं है, ये ईथर है, इट इज ए ईथर। सिक्स कार्बन है, सिक्स कार्बन है, सिक्स कार्बन है। लिख लिया आपने, तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, तब चैट बॉक्स में डन लिखना। ड्रॉ कर लिया था बताना। हाँ पेन ये दोनों तरफ चलता है, इधर से लिख सकते हैं और इधर से इरेज होता है। एक चीज और देखो, देखो ये जो है ना ये हेमी एसिटल है, ये जो बनाया ना ये हेमी एसिटल है, ये वाला कार्बन भी हेमी एसिटल है। कैसे? इस कार्बन पे अल्कोहल और ईथर है, अल्कोहल ईथर ऑन सेम कार्बन इज हेमी एसिटल, ये भी हेमी एसिटल है। कैसे? ये अल्कोहल है और ये ईथर है, अल्कोहल ईथर ऑन सेम कार्बन इज हेमी एसिटल, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें आगे H प्लस एंड मिथनॉल ऐड कर दूं तो होगा क्या, इन सब अल्कोहल में से मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल टुवर्ड एसिड कौन है, टुवर्ड एसिड रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, अल्कोहल की ज्यादा होगी या हेमी एसिटल की ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड किसकी ज्यादा होगी, अल्कोहल या हेमी एसिटल? हेमी एसिटल होगा ना। तो ये जो OH है और ये जो H है ये दोनों वाटर निकाल लेंगे, ये OHH वाटर निकाला, यहाँ बना कार्बोकैटायन और फिर इस ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया, अल्कोहल ने इसमें अटैक किया और ये बन गया हमारा एसिटल। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये हेमी एसिटल है, इसमें हमने H प्लस अल्कोहल डाला तो ये क्या बन गया, एसिटल। ये एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म बताया था, अल्कोहल और एल्डिहाइड से बनता है हेमी एसिटल, हेमी एसिटल आगे बनाता है एसिटल। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाओ, यानी ये दो हेमी एसिटल है और ये हमारा एसिटल है। मतलब हमने क्या किया, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया तो OH राइट में OH लेफ्ट में ये बन गया हेमी एसिटल और इसमें H प्लस अल्कोहल डालोगे तो बनेगा एसिटल। ये जो मैंने सिंबल बनाया है इसका मतलब OME राइट में भी हो सकता है, OME लेफ्ट में भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि जब वाटर निकल के यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो ये कार्य सेंटर बन रहा है, तो आप अटैक अबाउ द प्लेन करो, बिलो द प्लेन करो, वो दोनों से सेम ही प्रोडक्ट, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी। हाँ OME कैन बी ऑन एनी साइड, ये इसका मतलब ही यही है कि OME कहीं भी हो सकता है। स्ट्रक्चर बना लिया हो तब मुझे डन लिखना।
लिख लिया सबने। अब देखो तीन चार पॉइंट है, ध्यान से सुनने आपको, ठीक है ना। सबसे पहले यार बस ये ऑनलाइन में ये दिक्कत है यार, अब छोटा साइज बोर्ड है, अब बड़ा बोर्ड होता ना तो एकदम कंसेप्ट समझाने में इजी होता। ये ड्रॉबैक है कि ज़्यादा इफेक्टिवली समझाने में दिक्कत होती है। अब एक बार बताओ, ये जो लास्ट वाला बनाया है ना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड का मतलब क्या होता है? एसिटल और कीटल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एसिटल और कीटल ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखो, लास्ट वाला लिखो ग्लाइकोसाइड। एक जनरल टर्म है ग्लाइकोसाइड, उसका मतलब होता है एसिटल और कीटल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिख लिया आपने एसिटल और कीटल ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइड। अब आप मुझे बताओ कि ग्लूकोसाइड किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूकोसाइड? एसिटल और कीटल ऑफ ग्लूकोज। परफेक्ट, मान लिखो आप ग्लूकोसाइड, एसिटल और कीटल ऑफ ग्लूकोज। ये लिखो ग्लाइकोसाइड मींस एसिटल और कीटल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि मैनोसाइड किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनोसाइड? मैनोसाइड किसको बोलेंगे? एसिटल और कीटल ऑफ मैनोस। परफेक्ट, लिखो एसिटल और कीटल ऑफ मैनोस इज नोन एज मैनोसाइड। एसिटल और कीटल ऑफ मैनोज इन नोन एज मैनोसाइड। अब आप ये बताओ फ्रुक्टोसाइड किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रुक्टोसाइड? एसिटल और कीटल ऑफ फ्रुक्टोज। परफेक्ट, लिखो आप फ्रुक्टोसाइड मींस एसिटल और कीटल ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? नोटेड, गुड। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन कौन पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दिखाएगा इन चारों में? इन चारों में से कौन कौन पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दिखाएगा? बोलो। ये जो है ये तो डी ग्लूकोज दिखाएगा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। आपको याद है ये हेमी एसिटल जो बनाते हैं ना हम लोग, ये हेमी एसिटल ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दिखाता है। तो अब आप बताओ ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कैसे दिखाता है? अभी जो हमने ये बनाया है ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कैसे दिखाता है? क्योंकि ये हेमी एसिटल ब्रेक हो जाता है, माइल्ड बेसिक मीडियम में ब्रेक होके ये क्या बना लेगा? ये एल्डिहाइड बना लेगा ना ऐसे। तो
तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये सी डबल बॉन्ड ओपन के एलडीएड बनेगा, और एलडीएड क्या होंगे, पॉजिटिव टॉलेस टेस्ट दिखाएंगे। तो हमको चेक करना है कि हेमी एसिटल है या नहीं है। अब बताओ इसका आंसर क्या है, कौन कौन इसमें से पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दिखाएंगे। इसमें पहला वाला पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दिखाएगा, क्योंकि इसके पास हेमी एसिटल है तो ये सीओ बॉन्ड बन के बॉन्ड ब्रेक होगा, यही चीज बना लेगा डी ग्लूकोज। और इसमें एल्डिहाइड है तो ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दिखाएगा, ये भी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दिखाएगा। ये क्यों दिखाएगा, क्योंकि जब सी डबल बॉन्ड बनेगा बॉन्ड ब्रेक होगा हेमी एसिटल इन माइल्ड बेसिक मीडियम, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। लास्ट वाला जो है वो नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो बेसिकली क्या है, एसिटल, और एसिटल जो होते हैं वो कैसे टेस्ट देते हैं, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। हेमी एसिटल कैन गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, वो ब्रेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट विच गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो बताओ इन चारों में से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, बताओ इन चारों में से कौन रिड्यूसिंग शुगर है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन चारों में से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग मतलब क्या, विच गिव नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो बताओ चारों में से नॉन रिड्यूसिंग कौन है, लास्ट वाला है ना नॉन रिड्यूसिंग, ये बात समझे आप, ठीक है। अब एक और चीज, इन चारों में बताओ कौन कौन ओसाजोन बनाएगा, इन चारों में कौन कौन ओसाजोन बनाएगा, ओसाजोन कब बनता है, जब ये डी ग्लूकोज 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनना चाहिए, और ओसाजोन होता है माइल्ड बेसिक मीडियम में, यानी ये तो ओसाजोन बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन अब इसको चेक करना है तो इन माइल्ड बेसिक मीडियम होगा क्या, इन माइल्ड बेसिक मीडियम ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, हेमी एस्टल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, और अगर ये इसमें कन्वर्ट होगा तो फिर ये भी तो ओसाजोन बनाएगा। तो हमें चेक करना है कि इनमें से माइल्ड बेसिक में कौन ओपन चेन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो माइल्ड बेसिक में ओपन चेन में कन्वर्ट हो रहा है वो ओसाजोन बनाएगा, ये बात समझे आप, ठीक है। अब सिमिलरली लास्ट वाला देखो, इसको देख के बताओ कि क्या ये ओसाजोन बनाएगा या नहीं बनाएगा, थर्ड वाले के बारे में बताओ, क्या थर्ड ओसाजोन बनाएगा या नहीं बनाएगा, यस और नो, यस बनाएगा ना, परफेक्ट। लास्ट वाला बताओ, क्या ये ओसाजोन बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये जो हमने ग्लूकोसाइड बनाया है, कि ग्लूकोसाइड अंडरगो ओसाजोन फॉर्मेशन, नो, बिकॉज इन बेसिक मीडियम इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू ओपन चेन, बेसिक मीडियम में ये ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका जो है ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं होगा, ये बात समझे आप। मतलब पूरा जो है ये पूरा जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब डिपेंड कर रहा है हेमी एसिटल पे, जिसके पास हेमी एसिटल है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास हेमी एसिटल नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, समझे तुम, क्या समझे बताओ, जिसके पास हेमी एसिटल है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास हेमी एसिटल नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब एक और चीज है, फोर्थ है म्यूटा रोटेशन, अब म्यूटा रोटेशन क्या होता है, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, आजकल वो वायरस का भी डिस्कशन चल रहा है ना, अपना डिस्कशन क्या पूरी दुनिया पे इफेक्ट चल रहा है अपना कोरोना वायरस का, उसमें ये वर्ड बहुत यूज होता है म्यूटा रोटेशन। तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन का मतलब यह है, जैसे यहां पर है स्पेसिफिक रोटेशन, इस तरफ है एस आर स्पेसिफिक रोटेशन, इस तरफ है टाइम, देखो म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नोन एज म्यूटा रोटेशन, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। इसको हिंदी में समझें कि जैसे मान लीजिए ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है, उसको आपने किसी सॉल्यूशन में रखा, तो आफ्टर सम टाइम वो स्पेसिफिक रोटेशन एक इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन कर लिया, तो ये जो इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन करने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं अपन म्यूटा रोटेशन। द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। अब हो क्या रहा है
कि हमारे पास जैसे ये म्यूटर रोटेशन शो करेगा, इसमें खैर वो डिफाइन नहीं है, ये शो करेगा ये नहीं करेगा। इनिशियली जैसे ये अपन OH जो लेफ्ट में बनाते हैं उसको बोलते हैं, राइट में बनाते हैं उसको बोलते हैं अल्फा, लेफ्ट वाले को बोलते हैं हम बीटा। तो हो क्या रहा है कि अगर इनिशियली बीटा है, बीटा हमारे पास प्योर है, इसको मैंने माइल्ड बेसिक में रखा, तो माइल्ड बेसिक में ये कन्वर्ट हो जाएगा ओपन चेन स्ट्रक्चर में। एक बार ओपन चेन आ गया तो फिर वो अल्फा भी बना सकता है, फिर वो बीटा भी बना सकता है, दोनों बना सकता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेंड करेंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। अब सिमिलरली इसको जब माइल्ड बेसिक में रखा तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया, और ओपन चेन में आने के बाद फिर वो अल्फा बीटा दोनों बना रहा है, तो हम कहेंगे यस इट अंडरगो म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन कौन शो करता है, जिसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनता है। अब मुझे बताओ कि लास्ट वाला जो है ये म्यूटा रोटेशन शो क्यों नहीं करता है, इस लास्ट वाले में क्या दिक्कत है बोलो। अगर मैं इसको माइल्ड बेसिक मीडियम में रखूंगा तो ईथर आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, एल्कोहल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, क्या ये माइल्ड बेसिक में ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसमें कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, यस और नो? नहीं होगा। तो अगर इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो इसका मतलब है इसका म्यूटा रोटेशन नहीं होगा। अगेन वही कंसेप्ट है, इसके पास हेमी एसिटल है, और जिसके पास हेमी एसिटल है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास हेमी एसिटल नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि जिसके पास मम्मी डैडी है उसके पास छत है, उसके पास दुनिया में सब कुछ है, पैसा, रैंक, समझ लो, नाम वगैरह, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं अगर हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, समझ लो तुम। तो वैसे ही इनके पास इनके पेरेंट्स हैं तो इनके पास सब कुछ है, बाकी चीज़ें हो जाती है सब, इनके पास कुछ भी नहीं, समझ रहे हो? ठीक है, अपन लिखेंगे, अब थोड़ा और लिखेंगे। अच्छा एक मैंने चीज़ बोला कि अगर OH लेफ्ट में हो तो उसको बीटा बोलते हैं, OH राइट में उसको अल्फा बोलते हैं। इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो आप ये बता सकते हो इसका नाम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज क्यों है? इसका नाम अल्फा क्यों है? क्योंकि ये OH राइट में है। इसका नाम डी ग्लूको क्यों है? क्योंकि ये डी ग्लूकोज से आया है। इसका नाम पायरेन क्यों है? क्योंकि ये कितने मेंबर का रिंग बना रहा है? सिक्स। इसका नाम ओस क्यों है? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है। तो अल्फा राइट में OH, डी ग्लूकोज से आया, सिक्स मेंबर रिंग और ओस कार्बोहाइड्रेट। अब आप सिमिलरली बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज है तो बताओ इसका नाम क्या है, बोलो। इसका नाम है बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। बीटा मतलब OH लेफ्ट में, डी ग्लूकोज से आया, पायरेन सिक्स मेंबर रिंग, ओस कार्बोहाइड्रेट। बात समझे तुम? ठीक है, लिखेंगे सारे पॉइंट लिखने हैं अपने को, ठीक है ना। बीटा डी ग्लूको पायरेनोज और अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज के लिए अलग टर्म यूज होता है, वो होता है एनोमर्स। अब देखो एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स अल्फा एंड बीटा डी ग्लूको पायरेनोज आर एनोमर्स। तो इसकी डेफिनेशन है एनोमर्स आर टू सुगर, मींस एनोमर्स आर टू कार्बोहाइड्रेट विच हैज डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अक्रॉस दैट कार्बन विच इज फंक्शनल ग्रुप इन ओपन चेन कंपाउंड। एनोमर दो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें सिर्फ वो वाला कार्बन डिफरेंट है जो कि ओपन चेन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, यानी टू सुगर डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अक्रॉस दैट कार्बन विच इज फंक्शनल ग्रुप इन ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है ना। यानी मैं इसको ऐसे समझाऊं कि अगर इस O का अटैक फंक्शनल ग्रुप पे होगा, ऑक्सीजन का अटैक फंक्शनल ग्रुप पे होगा, उससे जो दो आइसोमर बनेंगे वो दोनों आइसोमर में क्या रिलेशन होगा, एनोमर्स। बेसिकली ये डायस्टोमर है, एनोमर्स है। एनोमर इज ए ग्रीक वर्ड, एनोमर ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है टॉप मोस्ट कार्बन, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि ग्लूकोज के अंदर एनोमरिक कार्बन C1 है या C2 है, विच इज द एनोमरिक कार्बन इन डी ग्लूकोज? C1। फंक्शनल ग्रुप कार्बन इन ओपन चेन कंपाउंड इज एनोमरिक कार्बन, C1 एनोमरिक कार्बन है, C2 नहीं है। अब अगर मैंने यहां पे कोई HOH चेंज कर दिया ना, थर्ड कार्बन पे HOH चेंज कर दिया, तो वो एनोमर्स नहीं है। एनोमर्स में सिर्फ चेंज कहां होगा, दैट कार्बन विच इज फंक्शनल ग्रुप इन ओपन चेन कंपाउंड, ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसके ऊपर जो चेंज होंगे तब उन दोनों को अपन एनोमर्स बोलेंगे। तुम समझे?
तो पहले नीचे ये टेबल बनाओ, ये चारों नोट नोट करो, टॉलरेंस पे डेफिनेशन लिखते हैं, सबकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले ये लिखो टॉलरेंस रिड्यूसिंग ओसाजोन म्यूटा रोटेशन, ये टेबल बना लो पहले, राइट रॉन्ग कर लो। जैसे ना कोरोना वायरस के बारे में कहता ना कि वो मतलब म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है, म्यूटा रोटेशन वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। जैसे मान लो ये कोरोना वायरस है बीटा, माइल्ड बेसिक में रखा ओपन चेन में आ गया, तो बीटा किस में कन्वर्ट हो गया अल्फा में, तो ये म्यूटा रोटेशन हो गया। तो हमने इसका एंटीवायरस बनाया, किसका बनाया बीटा का, और पता चला वो तो अल्फा में चला गया। तो इसलिए जो वायरस म्यूटा रोटेशन करते हैं उनको ट्रैक करना डिफरेंट होता है, उनके डिफरेंट स्ट्रेन जनरेट होते हैं। जैसे अभी कोरोना के बारे में कह रहे हैं कि 32 टाइम वो म्यूटा रोटेशन शो कर चुका है, 32 टाइम वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है। इसलिए क्या होता है कि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट हो रहा है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार कोरोना वायरस से कुछ हुआ ही नहीं है मेरे को, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ मेरे, तो आके निकल गया, समझ गया। जो हेल्दी होगा, इम्यूनिटी अच्छा होगा, उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा वायरस इफेक्ट किया है। और कई ऐसे भी मिलेंगे जो 40-45 की एज में भी डेथ हो रही है, उनकी इम्यूनिटी कम होगी, पहले से डिजीज होगी, या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि जो 32 टाइप के कोरोना वायरस हैं उनमें से वो कौन सा उसको इफेक्ट कर रहा है, कौन सा स्ट्रेन उस पर काम कर रहा है। जैसे कोटा में अभी पहले कुछ दिनों तक बहुत केस आ रहे थे, ठीक है, 15-20 मतलब हफ्ते पहले से बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे। तो आज सुबह ही मेरे एक डॉक्टर साहब से बात हुई, वो रनिंग में आते हैं डॉक्टर साहब, तो मैंने उनको पूछा डॉक्टर साहब एकदम से कोरोना वायरस कम कैसे हो गया 5-7 दिन से, मुझे तो डाउट हो रहा है, पहले 200-300 मरीज आ रहे थे, 400 आ रहे थे, अब 50-60 ही आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब बोला यार हमें भी पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है ना। तो उन्होंने भी ये बोला प्रॉबेबली अब जो स्ट्रेन है वो कोई वीकर स्ट्रेन है, और या फिर ज़्यादातर लोग इफेक्ट हो चुके हैं, वो रिकवर हो गए, तो मतलब गुड न्यूज़ थी। क्षितिज बोल रहा है मेरे को कोरोना वायरस हुआ था, 7 दिन बाद चला गया, क्योंकि क्षितिज तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी है ना यार, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास करते हैं ना उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक फूड, हेल्दी फूड्स, टेबल बनाओ टॉलरेंस रिड्यूसिंग ओसाजोन म्यूटा रोटेशन। मैंने टेस्ट नहीं करवाया यार अभी कोरोना वायरस पे, तो मैं सोच रहा बाद में बहुत मूवीज आएगी इस पर यार, एक से बढ़कर एक मूवी बनेगी इस पर, तो आने वाले 10-15 साल तक अपने को 500 मूवीज देखनी है कोरोना पे, और फिर अपने को एग्जैक्टली कई सालों बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कोरोना वायरस था क्या। म्यूट नहीं हो यार, ओके म्यूट कहाँ हो, म्यूट नहीं हो। कि नोट कर लिया टेबल, पहले टेबल नोट करो और फिर ये लिखो अल्फा बीटा डीग्लुकोपाइरानोज, अल्फा डीग्लुकोपाइरानोज। वैसे यार मुझे तो इस वायरस पर डाउट है, मतलब प्रैक्टिकली बताऊँ मेरे को तो पता नहीं इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी लगती है, मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं लगता है वो, या तो कोई बड़ी स्टोरी है या कोई बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें। लेट्स होप सब ठीक हो जाए। चेर्नोबिल टाइप कुछ होगा, हाँ ये हो सकता है, चेर्नोबिल टाइप भी हो सकता है। चेर्नोबिल तो खैर यार न्यूक्लियर, तो अब मेरे को समझ में आया कि इस वायरस के सामने न्यूक्लियर तो कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियर तो चलो एक एरिया में होता है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक इफेक्ट हो गया, अब ये वायरस तो यार पूरी दुनिया का चक्का रोक दिया उसने। चलिए टेबल बना ली सबने, आप ये नाम लिख लिया बीटा डी गुल को पारनोस, अल्फा डी गुल को पारनोस। तो पहले लिखो आप डेफिनेशन ऑफ एनोमर्स, डेफिनेशन ऑफ एनोमर्स लिखो, एनोमर्स आर टू सुगर, एनोमर्स आर टू सुगर्स, एनोमर्स आर टू सुगर्स विच हैज डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अक्रॉस, एनोमर्स आर टू सुगर्स विच आर डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अक्रॉस दैट कार्बन, एनोमर्स आर टू सुगर विच आर डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अक्रॉस दैट कार्बन विच इज फंक्शनल ग्रुप इन ओपन चेन कंपाउंड, which is functional group in open chain compound,
लिखा आपने, एनोमर्स आर टू सुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट विच आर डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अक्रॉस दैट कार्बन विच इज फंक्शनल ग्रुप इन ओपन चेन कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज आर एनोमर्स. डेफिनेशन लिख लो बस, हो गया बस. अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज आर एनोमर्स. अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज आर एनोमर्स. अच्छा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, अब लिखो डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग सुगर. डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग सुगर लिखो, कार्बोहाइड्रेट विच गिव, कार्बोहाइड्रेट विच गिव पॉजिटिव टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट. कार्बोहाइड्रेट विच गिव पॉजिटिव टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट इज नोन एज रिड्यूसिंग सुगर. कार्बोहाइड्रेट विच गिव पॉजिटिव टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट इज नोन एज रिड्यूसिंग सुगर एंड विच गिव नेगेटिव टेस्ट. कार्बोहाइड्रेट विच गिव नेगेटिव टेस्ट इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग सुगर. विच गिव नेगेटिव टेस्ट इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग सुगर. ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन ऑफ म्यूटा रोटेशन. लिखो अब डेफिनेशन ऑफ म्यूटा रोटेशन लिखो, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. The change in specific rotation of an optically active compound in a solution with respect to time, the change in specific rotation of an optically active compound in a solution with respect to time to an equilibrium value, with respect to time to an equilibrium value is known as muta rotation. एनोमर्स के क्या रेफरेंसन थी, एनोमर्स आर टू सुगर टू कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अक्रॉस दैट कार्बन विच इज फंक्शन ग्रुप इन ओपन चेन कंपाउंड. यानी फंक्शन ग्रुप पे अटैक करने से जो दो आइसोमर बने हुए हैं एनोमर्स. ओके, अब बस इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रह गया है. साइक्लिक सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज कैसे बनते हैं, वो सब इनसे बनते हैं, वो मैं आपको कल बता दूंगा. तो कल हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा और फिर मैं सोच रहा हूँ एमिनो एसिड और पॉलीमर छोटे छोटे टॉपिक हैं, डेढ़ दो दो लेक्चर मतलब तीन चार लेक्चर में सारा हो जाएगा. तो वो मैं तुम्हें एक बढ़िया से कुछ नया इनोवेटिव मेथड ला के देता हूँ. ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लें सारा फटाफट पाँच मिनट में. ये तो मैंने म्यूटा रोटेशन का ग्राफ बनाया था, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इन म्यूटा रोटेशन. इनिशियली ये प्योर फॉर्म है, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम में ये हो गया, ये म्यूटा रोटेशन हो गया. चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. बोलते जाओ साथ साथ में.
मत ऐसे ठंडा मत खा। हाँ एक छोटा गया था इसलिए एक के ऊपर एक आ गया वो। ठीक है हो गया कंप्लीट। ओके तो इसकी मैं नोट्स भी शेयर कर देता हूँ, डेफिनेशन वगैरह तो लिखने में उसमें कोई दिक्कत होगी तो नोट्स शेयर कर लेंगे। ओके तो कल मिलते हैं फिर, कल अपन कार्बोहाइड्रेट पूरा कर लेते हैं और कल फिर एम्यूनो एसिड और पॉलीमर का प्लान अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके भाई नमस्कार, जय हिंद जय भारत।